चुप है भाई, क्या कमीशन, महिला कमीशन जाती हो? नहीं बाबा, मोदी जी रुक जाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा। अगर हिम्मत है तो सब रेप को, रेपिस्ट को ले आके गोली कर दीजिए। एक लॉ बनाया जाए, हमारा माँ बहन का जो इज्जत लेता है, जो खून करता है, उसका सिर्फ मृत्युदंड होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में ममता बनर्जी का डिमांड है और वी सपोर्ट फर्स्ट ट्रैक कोर्ट। जल्दी से जल्दी विचार हो और फांसी का सजा हो, इससे कम कुछ नहीं। अभी हम मौजूद हैं खिदिरपुर में और आपको बता दे, आप जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना का वाकया सामने आया था, उसके बाद यहाँ पर खिदिरपुर में टीएमसी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मेयर फिरहद हकीम ने ये कह दिया है कि डॉक्टर के साथ मर्डर और रेप किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाशिर जामी जरा प्रकृत दोषी तादेश जाते विचार व्यवस्था कोनो रकम रेहाई ना हो। कामदनिर केसे हमरा दिए देखेछिलाम, फांसी होयेछिलो, तारपरे उच्च आदालत তাদের যাবজ্জীবন করেছে। এই কেসে যেন সেটা না হয়। এই কেসে যারা আমার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, যারা আমার মেয়েকে হত্যা করেছে, আপনাদের রিপোর্ট অনুযায়ী যারা হত্যার পরে আমাদের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, এই নৃশংস অত্যাচার যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়, যাতে আমার কোনো মেয়েকে আর কেউ ছুতে স্পর্ধা না করে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। বাম শেষ হয়ে গেছে, এইবার উঠে এসে যদি একটু চিনি পাওয়া যায়। আর বিজেপি বাংলার মানুষ রিজেক্ট করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই বাংলায়। সেই বিজেপি ভাবছে যে কষ্ট আছে, সেই কষ্টতে পেছন দিক দিয়ে গুটি গুটি পায়, তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত হবে না। হাইকোর্ট সিবিআই দিয়েছে, সিবিআই কে কালকের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট দিতে হবে, যেটা কলকাতা পুলিশ করছিল, এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। ওই দেখাচ্ছি 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 না, ওই এর বাড়ি রেড করে ওর বাড়ি রেড করে ওই প্রশাসন নয়, বিজেপির কথায় চালনা নয়, প্রকৃত দোষীকে বার করো, হ্যাং হিম টু ডেথ। আমরা রামকৃষ্ণর দেশে থাকি, বিবেকানন্দর দেশে থাকি, আমরা মাতঙ্গিনীর দেশে থাকি, আমরা নজরুলের দেশে থাকি, আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশে থাকি। মৌকা মিলা হ্যায় কর রহা হ্যায়, রেপ মে নম্বর ওয়ান রাজস্থান বিজেপি স্টেট, রেপ মে নম্বর টু উত্তরপ্রদেশ বিজেপি স্টেট, রেপ মে হর জায়গা রেপ হো রহা। बिहार में कुछ दिन मुजफ्फरनगर में परसों रेप हुआ, सब चुप है भाई, क्या कमीशन, महिला कमीशन जाती हो? नहीं बाबा, मोदी जी रुक जाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा। अगर हिम्मत है तो सब रेप को, रेपिस्ट को ले आके गोली कर दीजिए। एक लॉ बनाया जाए, हमारा माँ बहन का जो इज्जत लेता है, जो खून करता है, उसका सिर्फ मृत्युदंड होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में ममता बनर्जी का डिमांड है और वी सपोर्ट फर्स्ट ट्रैक कोर्ट। जल्दी से जल्दी विचार हो और फांसी का सजा हो, इससे कम कुछ नहीं। देखिए, वो डॉक्टर बाद में है, पहली हमारी घर की इज्जत थी, जिसे सरेआम नीलाम कर दिया गया, मार दिया गया, और इस तरह का दरिंदगी हुआ है जो बोलना मुश्किल है। हम हमारी उस बहन के लिए रास्ते में उतर करके हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब के सरपरस्ती में
ममता बनर्जी के सरपरस्ती में हम आंदोलन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषी को फांसी दी जाए। क्यों लेट हो रहा है, क्यों नहीं फास्ट ट्रायल में काम हो रहा है, सीबीआई के लिए हुए आज 4 दिन गुजर गया है, क्यों नहीं दोषी का लिस्ट जारी किया गया है, एक से ज्यादा अगर लोग शामिल थे तो क्यों नहीं उनको पकड़ करके उनको रास्ते में चौराहे में खड़े करके फांसी दे देना चाहिए, गोलियों से भून देना चाहिए। मगर हम ये कानून भी चाहते हैं, हम ये कानून भी मांगते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बने कि अगर जो हमारी बहन के संग गलत करेगा, हमारी डॉक्टर के साथ गलत करेगा, हमारे किसी भी पेशा में रहने वाली हमारी बहन जो रास्ते में निकल करके अपने दायित्व पालन कर रही है उसके साथ अगर गलत होगा, उन दोषियों को रास्ते में खड़ा करके भून दिया जाए। हम इसका मांग करते हैं। और आज आपने देखा होगा हजारों हजारों उसकी संख्या में लोग रास्ते में उतर गए। आम लोग तो यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं थे, आम लोग थे, दुकानदार हो चाहे रास्ता में चलने वाले, वो भी ज्वाइन होकर के बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। देखिए ये पॉलिटिकल बैनर जली था क्योंकि हमारी नेत्री ममता बनर्जी आंदोलन कर रही हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं तो हम लोग उनका झंडा को सामने रख के ये मैसेज देना चाहते हैं। 100% ममता बनर्जी के आदमी को झंडे की जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी के आदमी जहाँ चलता है वही उसका झंडा है क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते में चलता है। और आज हम सब कलकत्ता पोर्ट के रहने वाले, कोलकाता के रहने वाले खड़े होकर के रास्ते में चल करके भींग करके, आप देख रहे होंगे रास्ते में सब भींग गया है मगर भींग करके भी एक ही आवाज लगा रहा है कि वी वांट जस्टिस, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए अगर मैं इसके ऊपर अगर बोलूं तो शायद इसके ऊपर भी विवाद हो जाएगा। जिस तरह से सऊदी अरबिया में और अदर जगह में रेप के ऊपर कानून है, इजिप्ट में रेप के ऊपर कानून है, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में रेप के ऊपर एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून है कि वहाँ 7 दिन के अंदर फैसला हो जाता है, हिंदुस्तान में आज कभी निर्भया हो रहा है, कभी हाथरस हो रहा है, कभी उन्नाव हो रहा है, कभी उड़ीसा में, अभी उड़ीसा में रेप हुआ, आपने देखा होगा उड़ीसा में रेप हुआ, यूपी में बॉडी मिला, तो ये क्या हो रहा है मेरे भाई? अरे भाई किसी भी स्टेट में हो रहा है तो हमारी बहन है, तो हमारी देश की नारी, और देश की नारी को धर्षण किया जा रहा है। जिस बंगाल में हम नारी को देवी का रूप मानते हैं, जिस हिंदुस्तान में हम नारी को देवी का रूप मानते हैं, आज उसी देवी को सरेआम कुचला जा रहा है और इसके ऊपर भी राजनीति की जा रही है। 100% फास्ट ट्रैक कोड होना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए। बोलना यही है, जैसे कि आपने देखा है आज हमारे बॉबीदा के नेतृत्व में किस विशाल रैली बाबू बाजार ट्राम टिपू से निकली है, निकलकर पूरा खिदीपुर घूम में शामिल है, जो भी कालपीठ है उसको जल्द से जल्द उसे लटका दिया जाए ताकि कोई भी ऐसे लोग दोबारा हमारी जो बताया उसे मैं सहमत हूँ, हमारे दीदी से सहमत हूँ, बॉबी अकीम सर से सहमत हूँ। मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा सुनाया जाए, इसमें से इसे